बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय का। और आइए इसी पर एक विशेष जानकारी को समेटे एक लघु फिल्म देखते हैं। पंद्रह नवंबर सन 1875 झारखंड के उलिहातू की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जनमानस में धरती आबा के रूप में विराजमान भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जिस क्रांति का आगाज किया उसकी धमक आज भी सुनाई पड़ती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन स्मृतियों को संजोना आवश्यक है, ये संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शायद कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा कि 1857 से लेकर के अब आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया। आजादी क्या होती है, गुलामी के खिलाफ जंग क्या होता है, उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया था। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से उतना परिचय नहीं, उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए अलग अलग राज्यों में म्यूजियम बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के लिए मर मिटने में आदिवासी कितने आगे थे उसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प का परिणाम है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हमारे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य, त्याग और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता। आजादी के अमृत महोत्सव में इस दिवस की घोषणा ऐसे सभी आजादी के पुरोधाओं का सम्मान है। हमारे आदिवासी समुदायों की विशिष्ट जीवन शैली के लिए ये विशेष दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। ये दिवस गौरवशाली जनजातीय संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का उत्सव होगा। जिस तरह हम गांधी जयंती और सरदार पटेल जयंती मनाते हैं, वैसे ही 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। इस वर्ष जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को याद करने के उद्देश्य से 15 से 22 नवंबर तक देश भर में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के अथक प्रयासों से देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। ये संग्रहालय झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, मिजोरम, मणिपुर और गोवा में राज्य सरकारों के सहयोग से तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला संग्रहालय भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय अब रांची में बनकर तैयार हो चुका है। 30 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण रांची के उसी जेल परिसर में किया गया है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता संघर्ष के पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। संग्रहालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही उसके पहले प्रांगण में झारखंड के जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति, जीवन शैली, त्योहार एवं हाट बाजारों को खूबसूरती से दर्शाया गया है। संग्रहालय परिसर के बाहर भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे पूरे परिसर में लेजर और लाइट शो एवं चित्रपट के माध्यम से जनजातीय क्रांति एवं झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनी एवं संघर्षों को प्रदर्शित किया गया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये संग्रहालय जनजातीय सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय सेनानियों के योगदान और उनके अप्रतिम शौर्य से जन जन को रूबरू कराएगा, उन्हें प्रेरणा देगा।